हाँ बच्चों, पिछली बार हम टाइप्स ऑफ सेट्स कर रहे थे, टाइप्स ऑफ सेट्स। कार्तिक है, यस टाइप्स ऑफ सेट में हमने कहाँ कहाँ किए, सर, कौन कौन से किए थे बेटा? एम्प्टी इन्फिनाइट तक किया था। एम्प्टी सेट्स। कार्तिक है, क्या होता है एम्प्टी सेट? सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट इन इट। सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट एंड इज डिनोटेड बाई 5। फाइव। सेकेंड सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। थर्ड वन वाज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, उसके बाद आता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। सपोज ए इज एनी सेट हैविंग एलिमेंट 1, 2, 3, 4। ए इज एनी सेट हैविंग एलिमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट? सो वी विल राइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर 4। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर 4। दिस 4 इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। सो कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। एक सेट में जितने एलिमेंट्स हैं दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। दिस सेट कंटेन्स 4 एलिमेंट, सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 4। ओके, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट एलिमेंट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, सपोज ए इज एनी सेट हैविंग एलिमेंट ए बी सी, बी इज एनी अनदर सेट हैविंग एलिमेंट एक्स वाई 1, राइट स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी आर ऑल्सो 3, राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। दिस टाइप ऑफ सेट्स इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इज नॉन एज इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, सो व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स? सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अनिरुद्ध, यस सर, व्हाट आर इक्विवेलेंट सेट्स? इक्विवेलेंट सेट्स आर टू और मोर सेट्स व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। कार्तिक, क्लियर है बेटा? यस सर। गुड। नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स। Sets having same elements are known as
equal sets. Sets having same elements are known as equal sets. A is, suppose, a set having element 1, 2, and 3. B is another set having element 3, 2, 1. So both elements have same elements, 1, 2, 3. So element set A is equal to set B, right? Suppose C is any set having element minus 2 and 2. D is any other set and D has elements, D is set of elements X. X is root of equation X square is equal to 4. X is root of equation X square is equal to 4. Anirudh, is C is equal to D or not? Yes, they are equal. Anirudh, Karthik? Yes. Both sets are equal or not? Both sets are equal. C is equal to D. Because D may be two values only, minus 2 and 2. So, two sets, if having same elements, they are said to be equal sets. Correct? बच्चों लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस लिखवाई थी. कार्तिक, व्हाट इज कैपिटल एन? कार्तिक, नेचुरल नंबर. नॉट ओनली नेचुरल नंबर बेटा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर. डब्ल्यू, कार्तिक, set of whole numbers. Set of whole numbers. Z, set of integers. Set of integers. Anirudh, आपको पता है बेटा, what is Q? Nice, sir. Q is set of rational number. Q stands for set of rational number. IR, set of irrational number. Irrational numbers, set of irrational numbers. And R stands for set of real numbers. Real numbers आपने class 10th में भी study किया है. R is set of real numbers. ये बच्चों आपको याद रखने हैं. Next is concept of subsets. Subsets. What is a subset? Karthike, do you have some idea about subsets? Something which comes under a set, subset. देखो बेटा, let A and B are any two sets. A and B are any two sets. Such that each x belonging to A implies
x belonging to b also. Each x belonging to a. बच्चों अगर इस स्टेटमेंट में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप ऐसा लिख लीजिए सच दैट, इस जो ब्रैकेट वाली टर्म है इसको आप ऐसा लिख सकते हैं सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट सेट बी. ए सेट में जो भी एलिमेंट है वो बी सेट में है. ए एंड बी आर एनी टू सेट्स. सपोज ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, राइट. बी सेट में आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट बच्चों. सो ए हैज 3 एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड ऑल दीज 3 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू B also. All element of set A are in set B. One belongs to A. One belongs to B also. Two belongs to A. Two belongs to B also. Three belongs to A. Three belongs to B also. Correct? All elements of set A are in set B. Then we say A set A is subset of B. What will we say? A is subset of set B. A B का subset है. And we'll write A is subset of set B. A किसका subset है? Set B का. So we will write A is subset of B. ये इसकी notation होगी. A is subset of B. Right बच्चों? Yes. Anirudh, आप yes, इसके sir. कुछ examples दे सकते हो बेटा? A where A is subset of B. Okay. So पहला example, all natural numbers from that less than 10. And all natural numbers less than 20. Set of natural numbers less than 10. Set of less than 10. Natural numbers less than 10. And second one is set of all natural numbers less than 12. Less than 12. So A set mein kaun se elements honge bachcho? 1, 2, 3 till kahan tak? 9 tak. 10 नहीं होगा. लेस देन 10 में 9 नहीं आएगा. बी सेट कंटेन्स एलिमेंट्स 1, 2, 3 till 12, 11. ऑब्वियसली सेट ए इज सेट सबसेट ऑफ सेट बी. बिल्कुल ठीक है कार्तिक. ए हियर ए इज सबसेट ऑफ बी. कार्तिक फॉर एग्जांपल. हाँ आपको एक एग्जांपल बताइए बेटा. Set of alphabets, a set of vowels is a subset of set of alphabets. Set of vowels, set of English vowels, and D yes. Kya hai? Set of all alphabets of English alphabets. C set contains A, E, I, O, U, and D contains A, B, C till X, Y, Z. And C is here subset of D because all element of C are in set D also. Dono bachchon ko clear hai subset ka concept? Ki what is a subset? A subset is when the elements of one set or another set. Then the smaller set is said to be subset of larger set. Correct? Smaller set will be subset of larger set. Bachchon? Sir, wo ek C hai jo aapne subset ko denote kiya hai.
सी और डी के बीच में है। ये सी नहीं है बेटा, ये सबसेट का सिंबल है, ये सी की तरह नहीं होता, ये थोड़ा सा ऐसे लॉन्ग होता है और यहां से राउंड होता है। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सी, ओके, दिस इज सिंबल ऑफ सबसेट। We will read as C subset of D. And if I write like this, D's, इसको हम क्या read करेंगे बच्चों? देखो C subset of D, और यहां पर लिखा है D is, अब ये D की side से open है ये symbol, और ये C है, so इसे हम क्या read करेंगे? D is the smaller set. Superset of C. If C is subset of D, then D is superset of C. Right? Larger set ko kya kaha jayega? Superset. Larger set is superset. Okay? So we read it as D is superset of C. राइट बच्चों, जैसे यहां पर हम रीड करेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, सो इसको अगर रिवर्स लिख दिया जाए देन वी रीड इट एज बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, करेक्ट। चलें आगे, बच्चों एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कैसे इस वक्त अभी डिस्कस करेंगे इस पे। एंड सेकंड पॉइंट इज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, phi is subset of every set. Karthik, first point is every set is subset of itself. Can you explain it? So one jo ek term mein set hai wo dusre set mein bhi same terms honge. Every set is subset of itself. Suppose A is any set having element 1, 2, 3, 4. So how A is subset of itself? Anirudh, dobara batao beta. Because dusre set mein bhi same terms honge. So one yes. is agar isko rewrite kar liya jaye, then it is 1, 2, 3, 4. So first element one belongs to A, one belongs one to belongs. Another A also. Second two element belongs two belongs to A, that belongs to another A also. Similarly with other two elements. So every element of first set is in second. So we can say A is subset of itself. Correct? A is subset of itself. Yeah. Karthike, can you explain second point? Phi is subset of every set. We don't write nothing that's already given. Sorry beta, kya kaha aapne? So phi represents nothing and we phi, don't phi represents empty set. Phi represents yes. empty set. Phi set does not have any element. And every set has an empty set in itself. Every set, suppose A is any set, it has three elements, 1, 2, 3. So can we say every element of phi is in A? Can we say?
Can we say Karthik? But if there is no element, if there is no element, then it means every element of phi is in A. आप मुझे कोई भी एलिमेंट बताइए कि phi का ये एलिमेंट, I will show it in A. Two. Phi का कोई भी एलिमेंट आप मुझे बताइए, मैं उसे A में शो कर दूंगा. Okay, two. टू फाइव में कहाँ है बेटा? फाइव में तो नहीं है टू. हाँ आप क्रिकेट देखते हैं? आप आईपीएल चल रहा था अभी थोड़े टाइम तक. नहीं. विच गेम यू लाइक कार्तिक? कार्तिक है फुटबॉल. फुटबॉल. I do not know a lot about football. Cricket में suppose किसी भी game में कोई player not out proof नहीं होता, मतलब out proof नहीं होता है, तो वो क्या होता है? अगर out proof नहीं होता है तो वो क्या होता है? Not out मतलब out proof नहीं कर पाए आप उसको, तो उसका उल्टा होगा, उसका रिवर्स होगा. इट मीन्स ही इज नॉट आउट. सपोज आई हैव टू सेट्स, ए है हमारे पास, या कोई दूसरा सेट ले लेते हैं, बी है हमारे पास. बी हैज एलिमेंट 1, 2, 3, 4. यहां पर मैं प्रूव कर सकता हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी, करेक्ट? सो ए विल बी सबसेट ऑफ बी, ठीक है? एंड सपोज सी इज एनी अदर सेट having element x, 1, 2, 3. X belongs to C and X does not belongs to B. It means C, this is C, C is subset, not subset. C is not subset of B. ये मैंने कैसे prove किया? कि C has some element which is not in B. C has some element which is not in B. Right? Yes. So C is not subset of B. यहां पर मैंने प्रूव किया कि C के अंदर कोई एलिमेंट है जो B में नहीं है. सबसेट नहीं होने के लिए ये कंडीशन प्रूव करनी पड़ेगी मुझे. अगर मैं ये कहता हूं phi is not subset of A, तो मुझे ये शो करना होगा कि X, some element X belongs to phi and X does not belongs to A. करना होगा या नहीं? मैं ये ऐसा नहीं कर सकता. मैं ऐसा नहीं कर सकता, राइट? तो फिर मुझे इस स्टेटमेंट का उल्टा एग्री करना पड़ेगा. और इस स्टेटमेंट का रिवर्स क्या होगा? phi is subset of A. ठीक है? हाँ, ओके, यही हो गया कि हमने एक प्लेयर को नॉट आउट प्रूव नहीं, आउट प्रूव नहीं कर पाए, आउट नहीं कर पाए, ही इज नॉट आउट. हम यहाँ पर ये प्रूव नहीं कर पाए कि phi is not subset of A. इट मीन्स phi is subset of A, राइट? So every yes. set is subset of, sorry, empty set is set of subset of every set. Empty set हर किसी का subset होगा. Phi subset of A, this is B set. Phi empty set is subset of B. Phi is subset of C. And moreover, phi is subset of phi also. Because we just studied कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ, करेक्ट? फाई इज सबसेट ऑफ फाई ऑल्सो. सो दो स्टेटमेंट हमने यहां पर स्टडी की हैं. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ एंड सेकेंड वन इज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, करेक्ट बच्चों? चलें आगे. Set of students of your class. Set of students of your class. Set of students of your class. B set क्या है?
set of students of your school. Kartike, which set is subset of which one? A is a subset of B. A is subset of B. And Kartike, agar isko aise likh diya jaye, to kya read karenge isko? B is a superset of A. B is superset of A. X is set of people in Delhi. Y is India. Anirudh? Yes, sir. Which set is subset of which one? So X is the subset of Y. X is subset of Y. And इसको क्या रीड करेंगे? Y is the superset of X. Y is superset of X. Good. बच्चों दिखाई दे रहा है आपको क्लियरली? Yes. Okay. वैसे तो इसमें फिल किए हुए हैं सारे. Kartike, this one. X is a circle in plane. X is a circle in plane. फिर यहाँ पर blank है. X is a circle in the same plane with radius 1 unit. So first set is subset of second or not? First yes. Set is subset of second one or not? No, it's a superset, I think. First one is superset of second. Second is a subset of the first. Second is subset of first. It means first is not subset of second. It means yes. First set is not subset of second. Right? Yes, sir. Okay. First is not subset of second. So if first set is A, second is B, we will say first is not subset of second. Anirudh, आपको clear था बेटा ये? Yes, sir. Okay. Second one. Anirudh, sixth part bataiye. X is an equilateral triangle. X is an equilateral triangle in a plane. And second axis, X is equilateral triangle in an X is equilateral triangle in same plane. One set contains equilateral triangle, another set contains triangle in same plane. Which subset is subset of which one? The first is not a subset of the second. First is X is equilateral triangle in a plane. Yes. And second is X is a triangle in the same plane. So first is subset of second or not, Anirudh? No. Why? Because the second one can be first one can be bigger than the second one. कैसे बेटा? इसमें कुछ specify नहीं किया है कौन सा? First में क्या है? First set suppose A set है. Set of equilateral triangles. Set of equilateral triangle और second क्या है? Set of triangles. Set of equilateral triangles mean it's इस set में सिर्फ equilateral triangles हैं. Sides length कुछ भी हो सकती है.
ठीक है, बट इस टाइप से। लेकिन सेकेंड सेट में क्या है कि ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, एवरी पॉसिबल ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल्स का मतलब है कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, फिर वो चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो या फिर स्केलिन हो, ठीक है, इसमें एवरी टाइप ऑफ ट्राइंगल है। अरे फर्स्ट इज द सबसेट ऑफ सेकंड, फर्स्ट विल बी द सबसेट ऑफ सेकंड, ठीक है, क्लियर yes. है कार्तिके, लास्ट पार्ट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर, यस इट इज ए सबसेट, यस इट इज ए सबसेट। फर्स्ट सेट में सिर्फ कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, और सेकंड में क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एवरी नंबर इंटीजर्स। सो फर्स्ट सेट विल बी सबसेट ऑफ सेकंड। ये क्वेश्चन बताइए बच्चों, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध माइक ऑन कीजिए। यस सर। Whether the following statements are true or false? Yeah, मैं ये लिख देता हूँ, चलो। This set contains two element, A and B, and second set contains false over B, C, A. So first, all element of first set are in second. Yes. First, set have two element A, which is in second also. First set contains. B is also in both. Both element of first set are in second, so it should be subset of second. False. But yahan likha hai ki not subset, so it is false. False. Kartike, second one, kya hoga? True. True. First set contains A and E, and second set X is a vowel in English alphabet. एंड बीच में सबसेट का साइन है, यस। सेकंड सेट में हमारे पास एलिमेंट्स क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, सो ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट आर इन सेकंड, सो फर्स्ट इज सबसेट ऑफ सेकंड। कार्तिके सॉरी अनिरुद्ध, अनिरुद्ध दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि टू इज इन फर्स्ट एलिमेंट बट फर्स्ट सबसेट बट नॉट इन द सेकंड सेट, in first set but does not belongs to the second set, so it can't be subset belongs, of second, so and 3 belongs to the second set, 1 and 3 belongs to the second set, but 2 does not, if at least a single element, even a single element does not belongs, then it's not a subset, not a subset. Kartike, fifth one, yes, is it true? Oh, false. False. Why false? Well, A is not a subset, but there's A in first set and A in second set also. So it is a subset, which is this set and belongs to this. Kartike, can you explain again? Set, the first set has an alphabet A and the second set also has an alphabet A, but it says it is not a subset, which is false, or it is a subset. All element of first set are in second, so first should be subset of second. यहाँ जो symbol है ये क्या होना चाहिए, subset होना चाहिए, but यहाँ symbol लिखा क्या हुआ है, belongs to लिखा हुआ है, right? So it is false. Right, students? Suppose A is any set having element 1, 2, 3. What is relationship of element 1 with A? A ke saath 1 ka kya relationship hai? Anirudh? Both are part. So, 1 is part of A.
वन इज पार्ट ऑफ ए, तो उसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सेट्स के चैप्टर की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? One is a element of A. One is an element of A, and उसको मैथमेटिकली हम लिखते कैसे हैं अनिरुद्ध? One belongs to A. One belongs to A. Very good. Similarly, two belongs to A. Three belongs to A. Right? Five does not belongs to A. Kartike. इसका ए के साथ क्या रिलेशन है? वन बिलोंग्स टू ए. बेटा वन तो ये था, ये दिस इज नॉट वन. सो दिस इज सिंगल, दिस इज ए सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट. हाँ, एंड सिंगल टर्न. व्हाट इज, हाँ, व्हाट इज ए देन? सॉरी, तो आपने वन एक सिंगलटन सेट लिखा, उसके राइट में ए लिखा है बस. हाँ, राइट में ए लिखा है. इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. हाँ, कुछ नहीं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है एक्सेप्ट फॉर बोथ सिंगलटन सेट है शायद. और ऐसा कुछ रिलेशन तो क्या ये सबसेट नहीं है ए का? दिस इज ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट and all element of this set are in A also. So it should be A. हाँ सर, मैं हाँ. Okay. What is the relationship in these two sets? It is a subset. It is a subset. अनिरुद्ध को क्लियर है ये? Yes, sir. अनिरुद्ध, इसका A के साथ क्या रिलेशन है? ये भी सबसेट होगा. This is also subset of A. Good. अच्छा, हमने अभी एक मैंने आपको बताया था, empty set is subset of every set. Empty set is subset of every set. So phi is subset of A. Is it true or not?